आपको ये समझना होगा कि आपके चेस्ट में पांच मसल्स होती हैं, अपर, ये ऊपर का और मध्यम और नीचे का, उसके बाद बीच का और यहाँ बाहर का। ये पांचों मसल को ट्रेन करने के लिए आपको काम करना होगा। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिम ना जाकर अपने घर पर ही चेस्ट को कैसे ट्रेन करें, चेस्ट का वर्कआउट कैसे किया जाए जिम ना जाते हुए। आप ये समझ लीजिए कि जो हम अपने घर पर ही अपने चेस्ट को जैसे ट्रेन करते हैं वही फार्मूला आपको बताएंगे। तो निश्चित तौर पर आप ये समझ लीजिए कि पहला एक्सरसाइज जो होगा आपके लिए, आप साधारण पुशअप लगाइए। साधारण पुशअप लगाने का तरीका जो है, आप ये समझ लीजिए कि अपने हाथों को बिल्कुल अपने सीने के पास धरिए, सीने से बाहर नहीं जाना चाहिए, कंधों से बाहर नहीं जाना चाहिए और कंधे के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। ये बराबर हुआ आपका। यहाँ से आपको नीचे जाना, वो भी बहुत ही धीरे धीरे, जितना धीरे आप जा सकते हैं, जितना स्लो जा सकते हैं उतना स्लो जाइए। ऊपर आने के बाद आपको चेस्ट को स्पिच करना है, यहाँ पर आपको शरीर को ढीला नहीं छोड़ना, यहाँ पर अपने शरीर में पूरा जो आपको अपने चेस्ट पर लगा देना है, ऐसे इस हिसाब से आप लगातार जितनी क्षमता हो आपने उतना कर सकते हैं, क्षमता के अनुसार आदमी करें। और निश्चित तौर पर यह समझें कि आज जितना आपने किया कल उससे आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। एक बढ़ाइए, दो बढ़ाइए, दस बढ़ाइए, जितनी क्षमता हो उतना बढ़ाइए, लेकिन निश्चित तौर पर डेली उतना बढ़ाते जाइए। यदि आपको अपने सीने में फर्क चाहिए बहुत जल्दी तो निश्चित तौर पर बढ़ाते जाइए। आप ये समझ सकते हैं कि दूसरा एक्सरसाइज हो सकता है कि जैसे आपने ईंट ले लिया, ये ईंट दूसरे तरीका का है, डमरू वाला ईंट है, इसको लेने के बाद आपको दोनों हाथों को इसी पर रख दिया। मैं बहुत ज़्यादा कर नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए कि साधारण आप समझिए कि जो भी एक्सरसाइज करिए बहुत स्लो मोशन में करिए, यहाँ पर ऐसे लिए। इससे आपका जो चेस्ट है, नीचे का चेस्ट, वो गोल आकार लेगा। यहाँ पर आप समझिए कि बहुत ही आराम से साधारण और यहाँ पर आने के बाद दोबारा स्पीच करिए, चेस्ट पर ही पूरा फोकस करिएगा। फिर भी आप जब भी पुशअप लगाएंगे, कोई भी पुशअप लगाएंगे, वो पूरे शरीर को ट्रेन करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर आपको अपने चेस्ट पर फोकस रखना है। आपको दो ईंट ले लेनी है। तीसरा एक्सरसाइज जो आपका होगा ये घर पर, ये नहीं कि आपको जिम में जाकर, जिम में भी जाकर आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप घर पर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये आपको, आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप ये समझिए कि ईंट दो ले लिए, इसमें आपको थोड़ा बाहर कर लेना है, अपने कंधों से बाहर कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका चेस्ट जो है कि जितना नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा वो ट्रेन होगा, तनेगा। आप ये समझिए कि बहुत ही आराम से डाउन जाइए जितना जा सके। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस आपके चेस्ट पर होना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पर ये आप ध्यान करिएगा कि जितना अधिक कर सके, ये भी है, जैसे आज आपने 10 किया, मान लीजिए कि 10 कर सक रहे हैं, 10 भी नहीं कर पा रहे हैं, 5 कर पा रहे हैं, लेकिन स्लो कर, रफ्तार में करने की ज़रूरत नहीं। रफ्तार में करने से आपके चेस्ट पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना स्लो करने का प्रभाव पड़ेगा। आपको स्लो करना है, एक ही कर पाए एक दिन में, दूसरे दिन दो होगा, तीसरे दिन तीन होगा, लेकिन स्लो करिए जितना स्लो कर सके। मैं जिस हिसाब से दिखा रहा हूँ उससे 100% यदि और भी डाउन स्लो कर सकते हैं आप, तो उतना स्लो करिए, बिल्कुल स्लो करिए, और निश्चित तौर पर आपके चेस्ट में बदलाव आपको दिखेगा। और बहुत जल्दी बदलाव चाहिए तो अधिक से अधिक स्लो करिए, यही फार्मूला अपना ही, स्लो करिए। आप ये समझ लीजिए कि आपने दो ईंट ले लिए, अब यहाँ पर आइए, ये भी जुगाड़ ही है, घर का ही जुगाड़ है, ये नहीं क्या कहते कि जिम में भी जाकर बंदा कर सकता है, और यदि घर पर है तो फिर घर पर ही कर सकते हैं। बिल्कुल इस हिसाब से अपना व्यवस्था बना लीजिए, और ये देखिए इस हिसाब से चेस्ट के लिए, आपको ऊपरी चेस्ट के लिए जो है
जितना अधिक डाउन ले जा सके वो भी स्लो मोशन, फिर आराम से ऊपर लाइए और स्क्वीज करिए ऐसे। ये हो गया आपका, उस हिसाब से करने के बाद आपको ये समझना है कि दूसरा जो एक्सरसाइज करना है आपको, ये तो तरीका ये हुआ आपका कि ऐसे करके ऐसे ले जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर ऊपरी चेस्ट जो होता है अपर चेस्ट वो आपका ट्रेन होगा, और आपको ये ध्यान धरना है लोअर चेस्ट जो आपका नीचे का चेस्ट है। आप ये समझिए कि आपके पास ऊंट हो वो भी काम करेगा, और यदि आपके पास डंबल है तो उत्तम है। ये समझिए कि देखिए किस हिसाब से करना है। ये आपके पूरे चेस्ट को ट्रेन करें, यहाँ पर ले जाने के बाद जितना अधिक रोक सके, रोकने का मतलब है कि आराम से ले जाइए और यहाँ पर रोकने का मतलब जितना अधिक रोक सके, और ऊपर लाने के बाद स्क्वीज करिए इस तरीके से। इस तरीकों से आपके चेस्ट में बहुत ही जल्दी बदलाव आएगा, ये आप समझ लीजिए कि बहुत ही जल्दी बदलाव आएगा। और हम ऐसे ही करते हैं अपने घर पर, एक ये है ये वाला जो, ये भी कर सकते हैं आप बिल्कुल आराम से। आप दो ईंट ले लिए, आप इस हिसाब से दो ईंट को लेकर इस हिसाब से, और बिल्कुल फोकस के साथ अपने चेस्ट पर फोकस करिए। तो ये बाहरी चीज, अंदरूनी चेस्ट के लिए आपको जैसे कि ये आप एक ईंट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे पकड़ लीजिए और बिल्कुल यहाँ पर लाकर ऊपर ले जाइए, और ऊपर ले जाने के बाद स्क्वीज करिए, यहाँ फोकस होगा आपका। ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत अधिक फोकस करना है तब जाकर बीच का, और सबसे ज़्यादा कठिन है लोअर यहाँ का गोलाकार जो है, तो गोलाकार जो हमने बताया उसी हिसाब से होगा। लेकिन आपको अब मैं एक बोनस टिप्स देना चाहता हूँ, ये बहुत ही मुख्यतः ज़रूरी हो जाता है आपके चेस्ट के लिए। क्या है ना, सभी एक्सरसाइज करने के बावजूद आपका ऊपरी चेस्ट जो है ट्रेन होगा, देखने में भड़कील हो जाएगा, देखने में अच्छा हो जाएगा, लेकिन बल आपको चाहिए। आपके चेस्ट में बल कैसे, अब सबसे बड़ी बात है कि चेस्ट में ही बल, यानी कि आपका जो है कि यहाँ यदि बल है आप तभी शरीर में पूरे बल रहेगा, और बल को लाने के लिए आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा आएगी आपके सांसों से, सांसों पर फोकस करिए। जब भी एक्सरसाइज करिए तो कुंभक लगा कर करिए, सांस अंदर लेने के बाद सांस को रोक लीजिए पूरी तरीके से अंदर, रोकने के बाद एक्सरसाइज करिए जितना हो रहा है, उसके बाद जब सांस बाहर आ रहा है उस समय एक्सरसाइज रोकिए। रोकने का मतलब उस समय स्क्वीज करके रोक दीजिए वहीं पर, उसके बाद दोबारा सांस अंदर भरिए, फिर दोबारा एक्सरसाइज शुरू करिए। इस हिसाब से आपके अंदर सांसों की जो है ज़्यादा मात्रा में सांस अंदर जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, और वही ऊर्जा आपके अंदर ताकत पैदा करेगी। आप कुंभक प्राणायाम कर सकते हैं। कुंभक प्राणायाम का मतलब है ज्ञान मुद्रा बनाएं, ज्ञान मुद्रा में बैठ गए। ज्ञान मुद्रा में बैठने के बाद आप देखिए किस हिसाब से करना है, जितना अधिक अंदर सांस ले सकते हैं, जितना अधिक अंदर सांस ले सकते हैं ले लीजिए, और जितना अधिक रोक सकते हैं उसे, यहाँ पेट में नहीं, पेट को नहीं फुलाना है, सीना को फुलाना है आपको, और जितना अधिक सांस यहाँ पर रोक सकते हैं उसे रोके रहिए, वहीं पर रोक कर ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट ऐसे रोक सकते हैं साधारणतः आदमी, परंतु धीरे धीरे अभ्यास से ये बढ़ाया जा सकता है। हमारे ऋषि मुनि से घंटों घंटों नहीं 12-12 साल लगातार किए हैं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं अपने भारत भूमि पर। तो आप समझिए कि अभ्यास के द्वारा संभव है। अभ्यास आपको करना होगा कि सांस को रोकिए, और जितना अधिक आपने सांस को रोकना सीख लिया, जितना अधिक आपने अपने अंदर सांस को रोका, उतना अधिक आप ये समझ कर चलिए कि आपका आयु बढ़ा। आप अपने अंदर यदि 1 मिनट सांस को रोक लें तो वो 1 मिनट आपका आयु बढ़ा, ये समझ लीजिए। सांसों का विज्ञान ही शरीर के लिए हर एक तरीका से सुलभ है। सांस यदि आप अच्छे से ले रहे हैं,
शरीर को अच्छा कर सकते हैं। इस हिसाब से सांस आप ये समझिए कि अंदर जितना अधिक तक रोक सकते हैं उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, और आपके लिए बल जो है बाल बल की वृद्धि जो करेगा वो सांस ही करेगा, ये एक्सरसाइज कुछ नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है ये एक्सरसाइज आपको निश्चित तौर पर बाहर से फुला देगा, ये है कटिंग भी ला देगा, लेकिन बल जो है ये कटिंग और ये सब रहने से कुछ नहीं होगा। बल आएगा आपके पास अंदरूनी ताकत जो बल है, आत्मविश्वास की ताकत, और बल को पैदा करने के लिए आपको सांसों पर ध्यान देना होगा। सांस को जितना अधिक अपने अंदर ले सकें उतना अधिक लीजिए, और उसे जितना अधिक देर तक रोक सकें। जैसे ये नहीं है कि सभी लोग एक मिनट रोक सकते हैं, 90% लोग एक मिनट नहीं रोक सकते इस समय, ये समझ लीजिए। लेकिन यदि आप एक मिनट से ऊपर रोक सकते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी है, अच्छा बात है कि भाई इतना जल्दी आप शुरुआत में ही साधारणतः एक मिनट से ऊपर रोक सकते हैं, तो आप इसे निश्चित तौर पर बढ़ाते जाइए। जैसे आज आपने ये ध्यान धरिए कि आगे आप स्टॉप वॉच लगा कर रख सकते हैं कि आज हमने एक मिनट सांस रोका, तो कल हम एक मिनट पाँच सेकेंड सांस रोकेंगे, उसके बाद अगले दिन 10 सेकंड रोकेंगे, 15 सेकंड रोकेंगे, यदि उतना नहीं 5 सेकंड नहीं ले जा पा रहे हैं तो 1 सेकंड ले जाइए। लेकिन निश्चित तौर पर डेली अपने सांस को रोकने की क्षमता को बढ़ाइए, एक एक सेकंड बढ़ाइए, धीरे धीरे आपके अंदर इतनी क्षमता बढ़ जाएगी कि आप घंटों घंटों रोकने में सक्षम हो सकते हैं। और यदि जो व्यक्ति मात्र 3 मिनट 4 मिनट रोक ले सांस को, उसके अंदर इतनी बल हो जाएगी, मेरे भाइयों आप समझ नहीं सकते, बल की जो मात्रा है वो सांसों पर ही निर्भर है। आप सांसों पर कंट्रोल करिए, ये सब तो एक्सरसाइज जो है ठीक है, और ज़्यादातर एक्सरसाइज करने से अच्छा है कि आप व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, आसन करिए। और मुख्यतः यदि आप अपने पूरे शरीर को स्वस्थ देखना चाहते हैं, और अपने शरीर को स्वस्थ देखने के साथ साथ दिमाग को स्वस्थ देखना चाहते हैं, मन को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर ध्यान का अभ्यास करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे अग्रेसित करिएगा जिससे अन्य लोगों को लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।